ભાષા નહી આવો, પણ હિચિંગ મારે જવું પડે. કોઈ પણ પ્રકારના પગમાં ખુલ્લા પગે હિન્દુ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે नरेंद्र मोदी जी की माँ का निधन हुआ है और हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की माँ का निधन हुआ है और हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की माँ का निधन हुआ है और हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की माँ का निधन हुआ है और हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की माँ का निधन हुआ है और हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की माँ का निधन हुआ है और हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की माँ का निधन हुआ है और हर तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद भावुक क्षण होता है, चाहे वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ अब उनके साथ नहीं रही, 100 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली और ये सीधी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस अंतिम यात्रा में। तस्वीरें बेहद भावुक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। ये सीधी तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में जिक्र भी किया है कि एक शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी के प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा। और ये आपके सामने सीधी तस्वीरें हैं और देखिए अभी कुछ समय पहले हीराबेन का 100वां जन्मदिन था, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इमोशनल लेख लिखा और उनको सरल, असाधारण और लचीलेपन का प्रतीक बताया। और जब जब भी प्रधानमंत्री संबोधन करते थे, देश को संबोधित करते थे, उस संबोधन में, उनके उस स्पीच में हमेशा अपनी माँ का जिक्र जरूर होता था क्योंकि वो हमेशा माँ को अपने करीब रखते थे, करीब से देखते थे और हमेशा उनकी माँ उनके लिए एक प्रेरणा पुंज रही हैं। ना सिर्फ नरेंद्र मोदी जीवन में, हर एक व्यक्ति के लिए माँ एक ऐसी प्रेरणा होती है, जीवन की पहली मित्र। और जीवन में जब वो अनुभूति नहीं रहती है तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद भावुक क्षण होता है। और ये तस्वीरें हीराबेन की अंतिम यात्रा की आप देख रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपके सामने। देखिए जीवन की जो अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव है, अब ये यात्रा आगे के लिए निकल चुकी है, ये काफिला आगे के लिए निकल चुका है। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी और जीवन के इस अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ नजर आ रहे हैं। सौ साल की उम्र तक अपने जीवन को बेहद सादगी के साथ, बेहद अनुशासन के साथ जीने वाली महिला, जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में, अपने संबोधन में किया करते थे और वो अक्सर कहा करते थे कि उनकी माँ उनके लिए हमेशा एक प्रेरणा पुंज रही है।
इससे पहले भी जब उनका 100वां जन्मदिन था तो प्रधानमंत्री ने एक भावनात्मक लेख अपनी माँ को समर्पित किया था। उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया था और कहा था कि माँ को मैं हमेशा अपने करीब देखता हूँ और माँ जब भी मुझे माँ की ज़रूरत होती है, माँ के एक बुलावे पर मैं कहीं पर भी हूँ चला जाता हूँ। बेहद दुखद क्षण भावनाओं में व्यक्त इसे नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। प्रधानमंत्री ने अपनी मां के जन्मदिन के मौके पर कहा था कि कैसे उनकी मां नारीत्व और सशक्तिकरण की सच्ची प्रतीक रही हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बचपन के किस्सों की मदद से अपने मां के हर उस कहानी को, हर एक किस्से को बताया है जो उनके जीवन को लेकर जुड़ा हुआ है। तो हीराबेन लंबे समय तक जीने का राज उनके द्वारा किया गया संघर्ष था। शुरुआती जीवन से लेकर अब तक हीराबेन की जो दिनचर्या थी काफ़ी अनुशासित रही। वो प्रधानमंत्री भी अपनी माँ से हर चीज़ की सीख लेने की कोशिश करते थे। तो घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति बेहद कमज़ोर होने के चलते हीराबेन को पढ़ाई का मौका नहीं मिला, लेकिन वो अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरों के घरों में भी काम करने के लिए तैयार हो गए। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कर चुके हैं कि कैसे उनकी मां ने उन्हें पाला पोसा। तो हीराबेन की अंतिम यात्रा अब उस पड़ाव की ओर निकल पड़ी है जहां से कभी कोई लौटकर नहीं आता। जीवन के 100 साल पूरे किए बेहद सादगी के साथ, अनुशासन के साथ, और ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें देश का सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में निधन हो गया और आज सुबह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी और उसमें कई बातों को समाहित किया। जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री बोले कि माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा है, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक है और मूल्यों के प्रति जीवन समाहित रहा। और देखिए, तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली इसलिए हैं क्योंकि परिवार के तमाम सदस्य इस वक्त मौजूद हैं और सभी नम आंखों से हीराबेन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं उस देवी को जिसने अपने कर्मयोग के जरिए, जिसने अपनी सादगी के जरिए कई लोगों को प्रेरणा दी। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के पास पहुँचते थे, एक छोटे बच्चे से जैसा दुलार ही वो अपने बेटे को देती थी। परिवार के बेहद करीबी लोग, परिवार के सदस्य इस वक्त मौजूद हैं अंतिम विदाई देने के लिए। हीराबेन की अंतिम यात्रा निकल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ को कंधा दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। लोगों की आंखें नम हैं। घर के बेहद करीबी लोग
तमाम जो सहयोगी हैं इस वक्त मौजूद हैं, परिवार वाले मौजूद हैं, और सभी नम आँखों से अपने श्रद्धा सुमन हीराबेन को अर्पित कर रहे हैं। देखिए जो परिवार के सदस्य हैं वो कितने गमगीन हैं, दुख की इस घड़ी में सभी की आंखें छलक आई हैं। हीराबेन की कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ गई थी, उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने पहले उनकी हालत को बहुत क्रिटिकल बता दिया था, नाजुक बता दिया गया था, लेकिन बाद में अस्पताल ने एक बयान जारी किया और कहा कि उनकी स्थिति नाजुक है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ट्वीट किया, ये जानकारी दी, पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ पड़ी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति के अनुभव